गंज मसौदा में बंद का रहा मिला जुला असर, अल्पसंख्यकों ने भी खोले रखी दुकानें। बंद रहा बेअसर, खुला रहा बाजार, व्यापारियों ने नहीं मानी नेताओं की बात। कांग्रेस ने किया बंद का आह्वान, दिया ज्ञापन। जी हां, कृषि बिल पर चल रहे विरोध में आज मंगलवार के दिन किसान संगठनों ने देशव्यापी बंद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आह्वान किया था, जिसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया था और स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों से दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक रूप से बंद रखने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन गंज मसौदा नगर में बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला, या कहें कि बंद बेअसर रहा, क्योंकि 4 घंटे के बंद को कांग्रेस ने 1 घंटे का कर दिया, उसमें भी व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग नहीं किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कानून केवल देश के बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदे के लिए बनाया गया है, जिससे अन्नदाताओं को भारी नुकसान होगा और इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश मेहता को दिया और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया कि इस कानून को वापस लिया जाए। गंज मसौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। हमारे किसानों पर 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनको वापस लेने की हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, हमारे किसानों की उपज जो शासन द्वारा माने जो रेट तय किए गए हैं उन्हीं दामों पर किसानों की उपज को खरीदा जाए।